हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का पॉलीनोमियल का ये पार्ट 3 बन गया। अभी क्या करूं, एक्सप्लेन करते हुए मेरा हमेशा जो होता है ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज का टॉपिक में जो है वैनिशिंग फैक्टर का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, और यहाँ पे कह सकते हो कि फैक्टर थ्योरम जो है उसका बहुत ही मतलब एक बेटर यूज है। क्योंकि देखो, पिछले वाला जो था मतलब 4 नंबर में फैक्टराइजेशन, वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, तो उसको मिड टर्म फैक्टर में और एडजस्ट करने में बहुत आसान लगता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ये क्यूबिक टर्म है, मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम तो जरूर लगाएंगे, एप्लीकेशन उसका लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज कहना है कि ये जो मेथड है हम लोग सॉल्व करने वाले ना, ये वैनिशिंग फैक्टर से सॉल्व करेंगे। अभी वैनिशिंग फैक्टर क्या है? वैनिश मतलब एक टर्म मिसिंग रहेगा, एक जो क्या कह सकते हो, एक स्टेप, जो एक लाइन है वो मिसिंग रहेगा, उसके बाद का मैं हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो वैनिशिंग फैक्टर है, मैं 2 मेथड में करवाऊंगा, जो तुम्हें इजी लगे, आसान लगे, वो मेथड फॉलो करो, ठीक है? चलो, तो देखो पहला जो है हम लोग क्या करेंगे, और तुम लोग कमेंट करना मत भूलना कि कौन सा मेथड तुम्हें अच्छा लगा, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है कि ये हर एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको दोनों ही मेथड को देखना, उसके बाद वीडियो को छोड़ के जाना है तुम्हें, अगर अच्छा नहीं लगे तो। बस थोड़ा टाइम दे दो यहाँ पे, ठीक है? चलो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे कि जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाएगा। ऐसा नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाएगा। अभी कैसा कैसे मिलेगा, देखो एक्स का वैल्यू अगर 1 लोगे तो क्या आता है देखते हैं। चलो रफ वर्क करते हैं यहाँ पे, तो 1 क्यूब मतलब 1 होता है ना, तो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर +2। देखो -2 + 2 कैंसिल होगा, -1 + 1 कैंसिल होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जब तुम 1 चूज कर रहे हो तो ये एक्सप्रेशन जीरो दे रहा है ना, मतलब एक्स का वैल्यू 1 के लिए, मतलब जो इसका पॉलीनोमियल कैसे फाइंड आउट करोगे, x-1 = 0। देखो इस 1 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो x-1 आएगा, तो दिस इक्वल्स टू 0, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x-1 का एक 0 है, वो है 1। मतलब यहां से x का वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन 0 दे रहा है, मतलब इसका जो एक पॉलीनोमियल है, मतलब x-1 एक पॉलीनोमियल मिल गया, क्योंकि x = 1 है, मतलब x-1 = 0, तो हमें एक पॉलीनोमियल मिला, क्या वो है x-1। ये पॉलीनोमियल जो है इसका एक फैक्टर बनेगा। अगर सोचो एक्स का वैल्यू -2 के लिए ये 0 बन रहा है, यहां पे -2 लिखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है सपोज, तो क्या करेंगे, x-2 इधर आएगा तो +2, तो ये जो पॉलीनोमियल है x+2, अभी 0 का हटा दो सारे, सोचो ऐसे, तो ये वाला पॉलीनोमियल तुम्हें मिल गया ना x+2, ये होगा इसका एक फैक्टर। समझ में आया या नहीं, फिर से बताओ। आई थिंक समझ में आ गया, कमेंट करो मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें मिला कि x = -, ये रफ वर्क करोगे तुम लोग तो x = -1 जो है इसका एक फैक्टर है। इसका पहले मैं वैनिशिंग फैक्टर दिखाऊंगा, देखो क्या करोगे, इक्वल देखे ये वाला लाइन मतलब जो स्टेप है इसको छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट का लाइन एक इक्वल साइन दो, इस लाइन को लिखोगे, कैसे लिखोगे, मैंने कहा ना कि x का वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो उसका एक फैक्टर है x-1, है ना? तो x-1 को तुम 3 बार इस तरह से लिखोगे, गॉट इट? क्यों 3 बार? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है क्यूब, इसलिए 3 बार लिखोगे। तो अभी क्या है, एडजस्ट करना है तुम्हें, मतलब यहाँ पे एक से 3 बार क्यों लिखना है, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पे भी अगर कुछ आएगा तो उसको भी 3 बार ही लिखना था तुम्हें। चलो एक काम करते, थोड़ा ज्यादा मैंने जगह ले लिया है अब, ठीक है? तो देखो अगर मैं इस ये जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x³, तो ये x है, तो और कितने नंबर मतलब कैसा और एक नंबर होगा जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूब बनेगा, डेफिनेटली x², क्योंकि x² × x x³ होता है, तो यहाँ पे x³ बन गया, -± x², लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा x² आया है, लेकिन तुम्हें बनाना क्या है 2x² माइनस, तो ऑलरेडी तो -1x² है, तो और एक x² बना लो यहाँ पे। कैसे बना, -1 से अगर इस पूरा नंबर मतलब जो फैक्टर है इसको और क्या कह सकते हो, एक पॉलीनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे? फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे x था, तुम्हें x² और बनाना है एक माइनस, तो इसलिए -x² लिया है मैंने। अगर यहाँ पे x² टर्म नहीं रहता तो यहाँ +x² होता, मतलब +x होता, तो x माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो -x² आ गया। देखो -± x² -± +x × 1 x,
अभी तुम्हें क्या बनाना है, माइनस एक्स, तो ऑलरेडी प्लस एक्स है तो वन है, इसको माइनस टू बनाओगे तो माइनस वन बनाना है तो माइनस टू से डिफाइन फाइंड आउट करो, देखो माइनस वन बन जाएगा, वन है इसको माइनस वन बनाना है तो क्या करोगे, माइनस टू इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना है वन से, कैसे मिला, वन है वन को और वन से माइनस कर दो, ठीक है ये समझ में आया। तो चलो यहाँ पे फिर क्या करना है, माइनस टू लिखो, क्योंकि माइनस टू अगर वन से माइनस करो तभी तो माइनस वन मिलता है ना, तो माइनस टू, अभी देखो तो माइनस प्लस माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस टू, देखो यहाँ पे भी प्लस टू प्लस टू, इनका कैलकुलेट करोगे तो माइनस एक्स आएगा, इनका कैलकुलेट करोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने गलती से दो दो बार लिख दिया है, चलो 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 एक काम करते इसको रब कर देते, दो बार गलती से लिख दिया है तो यहाँ पे लिखो एक बार है और एक बार लिखा है मैंने x माइनस टू एक्स प्लस टू, मैंने गलती से दो बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था, मतलब तीन बार हो गया था, ठीक है अभी समझ में आया। चलो तो क्या आ गया, देखो पूरा ऊपर का वैल्यू इतना आ गया ना, तो अभी दोनों में देखो ब्लू का देखो दो तीनों टर्म में ही एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट में जो बाकी का है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू। अभी देखो इसको भी मिडिल टर्म फैक्टर किया जा सकता है, मिडिल टर्म फैक्टर क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारी वर्कशीट का मतलब एक्सरसाइज का, तो देखो टू को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब इसका क्या क्या फैक्टर है, वन एंड टू उसके सिवा कोई नहीं है, तो टू माइनस वन करोगे तो देखो वन आ रहा है ना, तो मिडिल टर्म में क्या है वन, मैंने क्या कहा था मिडिल टर्म फैक्टर में कि इसको छोड़ दो, फिर क्या है यहाँ पे क्या है टू है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है, टू वन जो टू, तो इसको स्प्लिट करना है, तो ये इसको एक ही तरह से स्प्लिट किया जा सकता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट फिर एक्स स्क्वायर इस जगह पे वन के जगह पे क्या लिखेंगे टू माइनस वन, तो एक्स माइनस वन यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, वन एक्स मतलब एक्स माइनस टू, अब एक्स माइनस वन, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ हमें, इन दोनों में कॉमन जो आएगा वो है एक्स, तो एक्स कॉमन लिया मैंने, फिर एक्स माइनस टू, इन दोनों में कुछ ही कॉमन नहीं है तो वन कॉमन आएगा, तो एक्स माइनस वन यहाँ पे एक्स माइनस टू कॉमन आएगा, ठीक है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन, तो ये है फैक्टराइजेशन। अभी तुम्हें लगा कि सर ये वाला कुछ समझ में नहीं आया, ये कहाँ यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट लगा, तो एक काम करो और एक आसान मेथड है, क्या करोगे तुम्हें यहाँ तक तो पता लग गया ना कि ये जो है माइन वन का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू अगर वन लिखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो दे रहा है, उसका एक फैक्टर तुम्हें मालूम पड़ गया कि वो है एक्स माइनस वन जो मैंने कहा था, ये जो यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक्स माइनस वन से ये पूरा एक्स पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड में, बस देखो कितना मिल रहा है, वो जो आएगा यहाँ पे कोसेंट वही यहाँ पे देखो यही आने वाला है, दिखा देता हूँ चलो, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से करो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस कैंसिल माइनस टू एक्स प्लस टू आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस टू से करो माइनस प्लस माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस कैंसिल ज़ीरो, तो वी कैन से दिस, तो क्या लिखोगे इसके जगह पे क्या लिखोगे मतलब एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या लिखोगे एक्स माइनस वन और ये जो कोशेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देखो आई थिंक तुम्हें ये भी आसान लग सकता है कि पहले तुम्हें इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लो एक्स माइनस वन हुआ तो उसको फिर क्या करोगे डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन में जो कोशेंट मिलेगा वो यहाँ पे लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, बस ये मिल गया। अभी इसका फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला मिडिल टर्म फैक्टर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे एक्स माइनस वन और इसका ये वाला मतलब पूरा करना है तुम्हें, करने के बाद जो मिलेगा मतलब ये मिला हमें एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन बस, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को ये लॉन्ग डिवीजन वाला ज़्यादा आसान लगेगा तो इसको ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर भी कमेंट करो अगर तुम्हें लगे कि नहीं एडजस्ट अच्छा लग रहा है तो वो नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो को मतलब इसी शाम को और नहीं तो कुछ और अलग से शाम लेके वो एडजस्ट मेथड में कर देंगे। चलो मैं अभी रब करने वाला हूँ, अभी चलो इसका देखते हैं। यहाँ पे देखो
जो है इसका कौन सी वैल्यू को वैल्यू में ये जीरो दे रहा है, चलो देखते हैं। वन का वैल्यू, चलो सोचो कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। चलो पी ऑफ वन करके देखो कितना देता है, वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव। वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, सभी तो नेगेटिव दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, क्या कर सकते हैं, नॉन जीरो आएगा तो फिर माइनस वन करके देखते हैं, कोई बात नहीं है। चलो अच्छा पहले इसका कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, कर लिया मैंने 14 एंड दैट्स माइनस थ्री मीन्स 17, माइनस 17 प्लस वन मीन्स माइनस 16, नॉट इक्वल्स टू जीरो, नहीं हो पाएगा। चलो फिर पी ऑफ माइनस वन करके देखते हैं, मतलब एक्स ये देखो वन के लिए ये जीरो नहीं आ रहा है, तो वी कैन से दिस मतलब एक्स माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर, नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब नॉट इक्वल्स टू मीनिंग यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। चलो माइनस वन को करके देखते हैं, माइनस वन करोगे तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब फिर माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, तो ये तो माइनस वन आएगा, ये प्लस मतलब माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस नाइन माइनस माइनस देखो प्लस आ जाएगा माइनस फाइव, सभी माइनस। अच्छा चलो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट माइनस नाइन आ गया, माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल जीरो, तो मतलब वी कैन से, समझ में आया ना, तो क्या कह सकते हैं, देयर फोर एक्स किसके लिए, माइनस वन के लिए आया है, तो एक्स प्लस वन उसका उल्टा साइन लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट, और नहीं तो सोचो कि x इक्वल्स टू माइनस वन के लिए आया है तो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x प्लस वन जो होगा उसका फैक्टर होगा, माइनस वन के लिए जीरो है मतलब x का जो जीरो है वो है माइनस वन इस पॉलीनोमियल का, तो कह सकते हैं कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, साइन को बस चेंज करना है, माइनस वन के लिए हो रहा है तो x प्लस वन इज अ फैक्टर, अगर वन के लिए होता तो x माइनस वन इज अ फैक्टर। ठीक है, चलो फिर मिल गया हमें इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। चलो अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अभी हमें लॉन्ग डिवीजन में करना है, क्या करना है लॉन्ग डिवीजन में, कि इसको मतलब ये जो पॉलीनोमियल है इसको इससे डिवाइड करना है, फिर देखते हैं कोशेंट क्या मिलता है हम लोगों को। चलो कोशेंट को पहले चेक करते हैं, तो एक्स प्लस वन लिखोगे फिर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, तो एक्स प्लस वन से कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। देखो माइनस फोर एक्स है तो माइनस फोर एक्स से ही एक्स स्क्वायर है एक्चुअली, तो माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ओके, फिर माइनस प्लस माइनस फोर एक्स प्लस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस माइनस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, माइनस प्लस माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, प्लस प्लस कैंसिल जीरो, तो ये है और एक फैक्टर, तो क्या लिख सकते हो, देयर फोर वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू, ये एक फैक्टर है तो इसको लिखो, फिर जो कोशेंट है क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये कोशेंट भी इसका फैक्टर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अभी यहाँ पे ख़त्म मत कर देना बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म करोगे तो नेक्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट पार्ट मतलब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका भी मिडिल टर्म फैक्टर हो रहा है यानी वो भी चेक करना है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करोगे, देखो कौन से नंबर से, देखो ना यहाँ पे माइनस फाइव है इसका, देखो और नहीं तो इसका जीरो फाइंड आउट करो, बताओ हमें जीरो क्या होगा इसका, अभी इसी मेथड में करते हैं। देखो वन बिठाओगे यहाँ पे तो कितना आएगा, माइनस वन लिखो, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस वन करके करोगे तो हो जाएगा, देखो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव, मतलब एक्स की जगह पे माइनस वन बिठाया मैंने तो ये वन होगा माइनस फाइव, अरे ये फोर था सॉरी, माइनस माइनस प्लस फोर, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर वन होगा माइनस फाइव माइनस फाइव, तो फोर प्लस वन फाइव माइनस फाइव दैट इज़ जीरो, तो फिर से मैं कह सकता हूँ कि इसका एक फैक्टर है एक्स प्लस वन,
क्योंकि माइनस वन के लिए ये जीरो बन रहा है, तो एक्स प्लस वन अगेन एक फैक्टर होगा, तो क्या करोगे इसका फिर से लॉन्ग डिविजन करो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, किस से करोगे एक्स प्लस वन से, तो यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसिल माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, तो माइनस फाइव से करो तो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस प्लस कैंसिल ज़ीरो, तो बस मिल गया। तो वी कैन से एक्स प्लस वन, अभी मैंने कहा था ना कि इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन है, क्यों, क्योंकि माइनस वन के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम, तो और एक बार प्लस वन करो और फिर एक्स माइनस फाइव, क्योंकि ये जीरो है मतलब दोनों ही इनका फैक्टर है, तो इनको इन दोनों के प्रोडक्ट में, क्यों देखो फाइव डिवाइडेड थर्टी, फाइव सिक्स द थर्टी होता है ना, तो सिक्स फाइव देखो फाइव इंटू सिक्स लिखोगे तभी तो थर्टी मिलेगा, तो हम लोग एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव लिखो माइनस फाइव लिखोगे तभी तो ये आएगा, तो इसीलिए मैंने इसके जगह पे इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दिया है, ठीक है। अच्छा ये अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगे तो मेथड मैंने कहा था जो मिडिल टर्म फैक्टर है क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक चीज़ ध्यान रखो फोर फाइव को कैसे तोड़ सकते हो, फाइव इंटू वन और कुछ तरीके, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो फाइव माइनस वन करोगे तो कितना मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस दो फैक्टर का, फोर आ रहा है ना, फोर है देखो, तो मिडिल टर्म में क्या होगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फाइव माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस फाइव, वन कॉमन आएगा तो एक्स माइनस फाइव, तो अल्टीमेटली एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस वन सॉरी प्लस वन, देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव, ओके। तो इस तरह से भी कर सकते हो जो आसान लगे। चलो अभी भी दो शाम है, इतना टाइम लगा दिया मैंने, जल्दी जल्दी चलो। तो अभी फाइव नंबर का जो थ्री नंबर क्वेश्चन है, देखो एक्स क्यू प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी, क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सी नंबर से ये पूरा वाला जो नंबर मतलब एक्सप्रेशन है ये जीरो देगा। वन से स्टार्ट करते हैं, चलो मुझे भी पता नहीं है, यहाँ पे करके देखते हैं रफ रख, तो सोचो कि मैं यहाँ पे वन मान लेता हूँ एक्स का वैल्यू, तो पी ऑफ वन कितना देगा, ये नहीं है मैं इसका कर रहा हूँ रफ वर्क यहाँ पे, ठीक है। तो क्या चलो यहाँ पे करके देखते हैं, पी ऑफ वन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, वन क्यूब प्लस थर्टीन इंटू वन, वन स्क्वायर एक्चुअली, और कोई बात नहीं है वन का स्क्वायर वन ही होता है, दिस एक्स की जगह पे बस वन रिप्लेस किया है, वन प्लस थर्टीन प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी, अब बताओ सभी प्लस हो रहा है तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका हटा दो ये वाला नहीं होगा, तो माइनस वन से देखते हैं जो नहीं होगा उसको हटाना है, फिर नेक्स्ट नंबर को ऐसे ट्रायल करके देखना है तुम्हें, तो माइनस वन से करोगे तो माइनस वन का क्यूब थर्टीन इंटू माइनस वन का स्क्वायर थर्टी टू इंटू माइनस वन प्लस ट्वेंटी, अभी देखो माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन आएगा, ठीक है, ये तो माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन ही होता है, तो थर्टीन हो जाएगा प्लस थर्टीन, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस थर्टी टू और यहाँ पे प्लस ट्वेंटी, माइनस दोनों को एक साथ और प्लस दोनों को एक साथ, देखो थर्टीन प्लस ट्वेंटी थर्टी थ्री होता है ना, ट्वेंटी प्लस थर्टीन, और माइनस वन माइनस थर्टी टू अगेन थर्टी थ्री, जीरो दे रहा ना, ओ ओ हम लोगों को मिल गया। तो क्या है कि एक्स माइनस वन के लिए हो रहा है, देयरफॉर फैक्टर थ्योरम सेज दैट एक्स प्लस वन, मतलब याद है ना पी ऑफ ए के लिए अगर जीरो हो गया तो वी कैन से पी एक्स माइनस वन ए इज अ फैक्टर, ठीक है, तो वही फैक्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, माइनस वन के लिए हो रहा है तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे इज ए फैक्टर ऑफ दिस पी ऑफ एक्स, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन में इसको डिवाइड करना है, तो एक्स प्लस वन यहाँ पे है, लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करो, ओके। तो चलो फिर एक्स स्क्वायर से जाएगा, देखो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, फिर से जाएगा देखो 12 है यहाँ पे 1 मतलब 12x से करो 12x स्क्वायर प्लस 12x, ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये होगा 20x प्लस 20, अभी देख ही सकते हो कि अगर प्लस 20 कर देंगे तो हो जाएगा ना 20x प्लस 20, क्योंकि 20 इंटू एक्स मतलब 20x, 20 इंटू वन मतलब 20,
माइनस माइनस कैंसिल जीरो, टोटली एक्चुअली कैंसिल जीरो, तो आ गया जीरो। तो जीरो मतलब वी कैन से एक्स प्लस वन एंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिक्स डिवाइडेड बाय 36, और चलो 36 नहीं 42 लेता हूँ, 36 भी होगा तो तुम लोग 7 42 जीरो आ रहा है ना, तो 6 एंड 7 बोथ आर फैक्टर ऑफ 42, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों का दोनों ही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो वी कैन राइट देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, तो एक्स प्लस वन लिखोगे और क्या लिखोगे, ये जो कोसेंट है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, गॉट इट। अभी देखो इसका भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, 20 है 20 को तोड़ो, मैंने कहा था क्या कि मिडिल टर्म को छोड़ देना है, फिर जो टर्म यहाँ पे रहेगा 20 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 21 से 20, तो 20 को भी तोड़ना है, ठीक है। तो क्या आएगा 1 इंटू 20, देखो ऐड करके 120 21 होता है, यहाँ पे 12 है नहीं होगा, 2 इंटू 10 10 प्लस 2 12 है बस, और देखने की ज़रूरत नहीं, बाकी बहुत सारे फैक्टर है देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आ गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स प्लस 1 और इस जगह पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 के जगह पे कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पे देखो 12 के जगह पे क्या लिखना है 10 प्लस 2, तो एक्स प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x प्लस 1 और यहाँ पे देखो दोनों से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा है ना, तो कॉमन लो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 10 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे x प्लस 1 ये कॉमन नंबर है तो x प्लस 10 और x प्लस 2, बस आंसर डन। इसको तुम चाहो तो अगर डिफिकल्ट लगे ये वाला फैक्ट मिडिल टर्म फैक्टर, लेकिन तुम्हें ये सीखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिडिल टर्म वाला फैक्टर, अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लगे तो तुम और एक चीज़ कर सकते हो, वो भी है कि ये जो नंबर है इसको देखो कौन सी नंबर से ये ज़ीरो जाएगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस 2 से और माइनस 10 से ये एक्सप्रेशन बैठाओगे एक्स की जगह पे तो ये ज़ीरो देगा, तो बस उसको लिख के भी तुम कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन में, जैसे मैंने पिछला वाला सम दिखाया तो उस तरह से भी होगा, ठीक है। चलो अभी फोर नंबर को देखते हैं, मैं इसको राब करने वाला हूँ वाई, यहाँ पे वाई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स था इसलिए पी ऑफ एक्स, यहाँ पे वेरिएबल वाई है इसलिए पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 2y³ + y² - 2y - 1। अभी क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे वाई का वैल्यू देखो, चलो मैं पी ऑफ माइनस 1 लेते हैं, y का वैल्यू माइनस 1 करो तो अच्छा 1 भी लेके देखता हूँ तो हो जाएगा शायद, लग रहा है हाँ हो जाएगा पी ऑफ 1, तो 1 का क्यूब फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 2 ही होगा, ये प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया हम लोगों का, सो वी कैन से देयरफॉर 1 के लिए 0 दे रहा है ना, एक्चुअली यू कैन से पी ऑफ 1, तो 1 का पी ऑफ x का वैल्यू 1 होगा तो 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ y, गॉट इट, सॉरी x नहीं मैंने यहाँ पे x गलती से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है y, तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर, केयरफुल रहना है तुम लोगों को, यहाँ पे x था इसलिए x माइनस 1 लिखा था, x प्लस 1 लिखा था, यहाँ पे y वेरिएबल है इसलिए y माइनस 1, ये ध्यान रखना है तुम्हें। सो देयरफॉर वी कैन राइट 2y³ + y² - 2y - 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे वो कैसे पता लगेगा, मैंने कहा था कि लॉन्ग डिवीजन करना है तुम लोगों को, तो इसको रब करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो आसानी से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, तो वो देखते हैं। चलो तो कौन सी नंबर से करना है, जो फैक्टर है मतलब y माइनस 1 से, किसको करना है, जो गिवन पॉलीनोमियल है, ओके। तो देखो 2y³ है यहाँ पे y है, तो 2y² से मल्टीप्लाई करो, तो 2y³, अभी 2y² एंड माइनस 1 मतलब माइनस 2y, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे 3y² - 2y - 1, 3 है यहाँ पे 1 है तो प्लस 3y, तो 3y² होगा देखो
दिस 3 वन्स अ 3 एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3y साइन चेंज कैंसिल। मैं उतना एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला सब तुम लोग 8 में कर चुके हो इसलिए। तो 8 का भी वीडियो है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो लॉन्ग रिविजन मेथड जाके देख लो 8 का प्लेलिस्ट में। अच्छा, और नहीं तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में कमेंट कर दो, सर इसका लिंक टेलीग्राम चैनल में भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा। आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स नाम के ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलो, तो यहाँ पे y आ जाएगा माइनस वन, तो वन से y माइनस वन साइन चेंज कैंसिल जीरो। तो ये वाला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, टू वाई स्क्वायर फिर 3y प्लस वन, ओके गॉट इट। चलो अभी इसका भी देखना है मिडिल टर्म फैक्टर हो सकता है या नहीं होगा, मैं तो मुझे तो दिखाई दे रहा है। देखो इसको हटा दो, तो 2 है यहाँ पे 1 है, 2 वन ज़र 2। अभी 2 को तोड़ोगे तो बस इसी तरह से तोड़ सकते हो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और देखो इनका, देखो ऐड करोगे 2 एंड 1 का तो 3 आ रहा है। मिडिल टर्म फैक्टर और स्प्लिटिंग थ्योरम जो है, मतलब जो प्रोसेस है वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो बच्चों। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 3 के जगह पे बस ब्रैकेट खाली रखना है, और वहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 2 एंड 1 को ऐड करो तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 1, तो y माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, 2y प्लस 1 इंटू वाई, वाई प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बताओ। चलो यहाँ पे मैं इसका बाकी का पार्ट यहाँ पे करता हूँ, लॉन्ग डिवीजन को कॉपी करना है तो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, मैं रैप करने वाला हूँ। तो ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो चलो फिर लिखते हैं क्या है, हूबहू जो है वही लिखेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम शाम को करेंगे। 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अभी y माइनस 1 तो है, अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 ही कॉमन आएगा और y भी कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में y प्लस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब प्लस 1 लिखो, ओके। तो y माइनस 1, अभी y प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 1 और यहाँ पे 2y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जो ब्रैकेट मैंने दिया है सेकेंड ब्रैकेट, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो लिखो y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। खत्म एक्सरसाइज, बहुत जल्दी मैं 2.5 का भी खत्म करने वाला हूँ। ये लेंदी होगा, वहाँ पे तो कोई ना कुछ पार्ट तो बनेगा ही, 3-4 पार्ट बनेगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हो बच्चों, मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।